हमारा लेसन था, इसका ट्रांजिशन हो गया है। आज हम यूनिट टू का एक्टिविटी नंबर 4 जो है उसके ट्रू फॉल्स और नीचे कुछ क्वेश्चन आंसर्स है वो देखेंगे। ओके, पहले हम ट्रू फॉल्स देख लेते हैं। ट्रू फॉल्स में क्या दिया हुआ है, पहला वर्ड देखो, द तानसेन एग्री दैट ही वाज द बेस्ट सिंगर। हमने लेसन पढ़ा, उसके आधार पर क्या लगता है आपको, तानसेन एग्री दैट ही वाज द बेस्ट सिंगर। क्या तानसेन एग्री हुए थे कि वो बेस्ट सिंगर है, ट्रू है या फॉल्स है? तो ये फॉल्स है, वो एग्री नहीं हुए थे, क्योंकि बोल रहे थे ना कि कोई और है जो उनसे बेटर गा सकता है। तो पहला जो हमारा सेंटेंस है हमारा फॉल्स होता है। ओके, इसको करेक्ट करना है, नहीं करेक्ट नहीं करना। ओके, बाकी देखो, सन हरिदास लीव इन अ हट, तो सन हरिदास हट में रहते थे, ट्रू है ये फॉल्स है? ट्रू है, ठीक है। वृंदावन में एक हट के नीचे हट में रहते थे, तो सेकंड वाला हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। फर्स्ट हमारा फॉल्स है, ये फॉल्स का आंसर है और ये सेकंड का आंसर है, सेकंड हमारा ट्रू हो जाता है। सन हरिदास केम टू अकबर्स कोर्ट, सन हरिदास अकबर के दरबार में गए थे? नो, ये सेंटेंस कैसा हो जाता है, फॉल्स हो जाता है, वो नहीं गए थे बल्कि किंग सन हरिदास के हट में गए। सन हरिदास कुड नॉट सीम वेल, सन हरिदास अच्छा नहीं कर सकते थे, फॉल्स है। सन हरिदास सबसे ब्रिटिश लगाते थे, तो ये हमारा सेंटेंस कैसा हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि रॉन्ग है ना, सन हरिदास कुड नॉट सीम वेल। तानसेन मेड सम मिस्टेक डेलिबरेटली, लगातार उसने कुछ मिस्टेक्स किए जा रहे थे, तो ये सेंटेंस कैसा हो जाएगा, ये सेंटेंस हमारा ट्रू हो जाएगा। डेलिबरेटली का मतलब होता है अगेन एंड अगेन, यानी बार बार वही सेम मिस्टेक करना, तो ये सेंटेंस हमारा ट्रू हो जाएगा। द किंग एग्री दैट सन हरिदास वाज अ वंडरफुल सिंगर, तो किंग एग्री हुए थे कि सन हरिदास वंडरफुल सिंगर है, राइट है, एंड जब उन्होंने सुना उनसे वो एग्री हुए, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ओके, पहला हमारा फॉल्स है, दूसरा हमारा ट्रू है, तीसरा फॉल्स, चौथा भी फॉल्स है, पांचवा और छठा ट्रू है। ओके, ये हमारे हो गए ट्रू फॉल्स। काफी देख लेते हैं आगे क्या दिया हुआ है, व्हाट डू दीस लाइंस फ्रॉम द लेसन मीन, टिक मार्क द करेक्ट आंसर। यहाँ पे कुछ लाइंस दी है, तो लेसन में इसका मतलब क्या है वो हमें बताना है। ओके, पहला है, देयर इज समवन हु सिंग्स बेटर देन आई, देयर इज समवन हु सिंग्स बेटर देन आई। पहले आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक निकाल लो, तभी आपको समझ में आएगा, टेक्स्ट बुक के बिना समझ में आने वाला नहीं है। ओके, टेक्स्ट बुक ओपन कर लो, उसके बाद मैं आप लोगों को ये बता दूंगा। ओके, तो पहला जो सेंटेंस है, देयर इज समवन हु सिंग्स बेटर देन आई, कि कोई है ऐसा जो मुझसे भी ज्यादा अच्छा गा सकता है, तो उसका मतलब क्या होगा, इन तीन में से आएगा, इन तीन में से हमको बताना है। पहला है, आई सिंग्स बेटर देन समवन, बी समवन सिंग्स बेटर देन आई डू, सी समवन सिंग्स एज वेल एज आई डू। पहले जो ए है, आई सिंग बेटर देन समवन, मैं उससे अच्छा गा सकता हूँ, ये मीनिंग होता है कि नहीं होता है, समवन सिंग्स बेटर देन आई डू, तो उससे भी कोई दूसरा अच्छा गा सकता है, समवन सिंग्स एज वेल एज आई डू, कोई है जो मेरे जैसा ही गा सकता है। हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, पहले में क्या आएगा, बी। ओके, पहला आपको लिख लेना है बी। तो मुझे डर लग रहा है कि वो यहाँ पर नहीं आएंगे, सेंटेंस ऐसा बोलते,
अब इसका मीनिंग हमको बताना है, पहला क्या है वो ए, आई एम अफ्रेड दैट ही विल कम, मुझे डर लग रहा है कि वो आएंगे, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ हिम, मुझे उनसे डर नहीं लग रहा है, सी आई एम अफ्रेड दैट ही विल रिफ्यूज टू कम, इसी राइट राइट आंसर है कि मुझे डर लग रहा है कि वो यहाँ पर आने से मना करेंगे, ओके, तो सेकंड में क्या हो जाएगा आंसर सी हो जाएगा। थर्ड वन देखो, बट टैंसेन न्यू हाउ टू गेट राउंड हिम, टैंसेन को पता था कि किस प्रकार से अपनी बात मनवानी है, पहले हम ए देखते, ए में क्या दिया है, टैंसेन न्यू द वे राउंड, टैंसेन गोल घूमने का रास्ता जानते थे, टैंसेन न्यू हाउ टू गेट सन रिजल्ट टू सीम, टैंसेन जानते थे कि सन फरिदा से किस प्रकार से गवाना है, टैंसेन न्यू दैट ही टू गो राउंड हिम, टैंसेन को पता था कि वो बात मान जाएंगे, तो क्या आएगा ऑप्शन नंबर बी, उनको पता था कि अपने जो गुरु हैं उनसे अपनी बात कैसे मनवानी है, इसके अंदर आएगा आंसर बी, ओके, समझ में आया बच्चों, आगे देखो, आई सी एट योर कमांड, मैं आपके कमांड पर गाता हूँ, ओके, अब इसका बताना है कि इन तीनों में से सेम मीनिंग कौन सा होता है, आई सिंग बिकॉज यू आस्क्ड मी टू, मैं गाता हूँ क्योंकि आप मुझे गाने के लिए बोलते हो, योर कमांड इज म्यूजिकल फॉर मी, आपका जो आदेश है वो मेरे लिए क्या हो जाता है, एक प्रकार से संगीत हो जाता है, यू सिंग एट माय कमांड, आप मेरे कमांड पर गाते हो, तो क्या आएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आएगा, आई सिंग बिकॉज यू आस्क्ड मी टू, क्योंकि आप मुझे गाने के लिए बोलते हो, तो फोर्थ में क्या आएगा आंसर, फोर्थ में आएगा ए। अब फाइव देखो, गुरु जी सिंग फॉर बम हु इज द किंग ऑफ किंग्स, इसका मतलब बताना है कि गुरु जी किसके कमांड पर गाते हैं, जो किंग किंग ऑफ किंग यानी कि राजाओं के राजा हैं, गुरु जी सिंग फॉर वन ग्रेट किंग, गुरु जी महान किंग के लिए गाते हैं, महान जो राजा है उनके लिए, गुरु जी सिंग फॉर मैनी किंग, जो गुरु जी है वो बहुत सारे राजाओं के लिए गाते हैं, गुरु जी सिंग फॉर गॉड, ओके, तो क्लियर हो गया आपको, ऑप्शन नंबर सी लगेगा कि मैं इसमें समझाना जरूरी है, मैं आपको पढ़कर समझा दूंगी, ओके।